नमस्कार दोस्तों, आइए सब लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। आज बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी के बारे में आज हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का ये हमारा पहला लेक्चर है जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, प्लीज आ जाइए जल्द से। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं साइंस क्या है। साइंस है सिस्टमेटिक एंड ग्रेजुअल स्पेसिफाइड नॉलेज ऑफ एनीथिंग। इसका मतलब है कि जो साइंस होता है वह एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान होता है। किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान है, अगर डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो हम उस चीज़ को साइंस भी कह सकते हैं। और साइंस जो ये बेस्ड होता है वह एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, बहुत ही सूक्ष्म अन्वेषणों पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है और कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, जिसके अनुसार हम रिजल्ट्स को क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसका मेन रिजल्ट क्या है, क्या इसका अप्लीकेशंस है, इन सभी बारे में साइंस में जानते हैं। तो साइंस को और डिटेल में जानने के लिए अब देखते हैं। पहले साइंस को मेरे से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है नेचुरल साइंस होता है, दूसरा होता है फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस के पार्ट हैं बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे पार्ट्स हैं, और फिजिकल साइंस के पार्ट हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये क्या है, मेन रूप से पार्ट है। तो आइए देखते हैं पहले क्या है, हम आज के सेशन में पढ़ना क्या है, बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ना है, बायोलॉजी के बारे में। तो हम लोग बायोलॉजी के बारे में देखते हैं, आइए। तो देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलके बना होता है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलके बना होता है, बायो और लोगोस। किससे मिलकर के, बायो और लोगोस। ये क्या है, बायो, और ये क्या है, आइए देखिए ये क्या है, लोगोस। तो जो शब्द बना होता है किससे मिलके बना होता है, बायो और लोगोस से। तो देखते हैं बायो का मतलब क्या है, क्या है बायो का मतलब, क्या बायो का मतलब होता है लाइफ, और लिविंग क्या होता है, लिविंग थिंग क्या होता है, लिविंग थिंग। ठीक है, और जो एस्टडी का मतलब होता है वह अध्ययन होता है। तो जिसमें लाइफ जीवन, जीवन किसका, जीवधारियों का, जो भी प्राणी है उनका जो जीवन, जीवन का क्या करना, अध्ययन करना, वह क्या होता है, बायोलॉजी होता है। क्या होता है, तो अर्थात हम बायोलॉजी में उनका अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। तो ये जीवन जो प्राणी होते हैं जिनमें पाए जाते हैं, तो इनके मेन मेन विशेषताएं क्या होती है, क्या फीचर्स होते हैं कि इनको हम जीव कहते हैं, इनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, अर्थात सजीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बायोलॉजी में हमें जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना है और प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट मतलब पादप और जंतु विज्ञान बायोलॉजी में पढ़ना है। तो देखिए, तो हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि सजीव, सजीव कौन होते हैं, अर्थात सजीव क्या होते हैं। तो देखिए समझते हैं, तो पहले क्या होता है, सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है। सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जितने भी सजीव होते हैं सभी में क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। फिर इनमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशंस होता है, पोषण होता है। सभी जीवों में क्या होता है, पोषण होता है। फिर इनमें प्रजनन करने की क्षमता होती है। क्या होती है, प्रजनन के। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सजीवों का एक विशेषता होती है, जो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब होता है कि जिस प्रकार का जीव होता है वह अपने ही गुण वाले दूसरे जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। और फिर क्या होता है, ये चल फिर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सजीव क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। सजीव क्या कर सकते हैं बच्चों, चल फिर सकते हैं। और सजीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी जो होती है कि सजीव सजीव